राजस्थान चुनाव का मतदान खत्म होने के साथ ही प्रत्याशियों का भविष्य भी ईवीएम में अब कैद हो चुका है। 3 दिसंबर को मतगणना होनी है और इससे पहले आज प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारे संवाददाता श्याम मारू ने प्रशिक्षण का जायजा लिया, देखते हैं। विधानसभा चुनाव 2023 के प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम मशीनों में बंद है। अब ये ईवीएम मशीनों का जो पिटारा 3 दिसंबर को खुलेगा, उसके बाद ही उनके भाग्य का पता चल पाएगा। लेकिन ये ईवीएम मशीन कैसे खुलेगी, मतगणना कैसे होगी, इसको लेकर के प्रशिक्षण चल रहा है। इस समय हम बीकानेर के एक प्रशिक्षण केंद्र में, आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, जो मतगणना कैसे की जाए, मतपत्रों की कैसी गिनती की जाए, उस समय कैसी क्या सावधानियां बरती जाए, इन बातों को लेकर यहाँ पर इनका प्रशिक्षण चल रहा है। और इस प्रशिक्षण के बाद में ही कर्मचारियों को भी बताया जाएगा कि किस प्रकार से मतगणना की जाए, ईवीएम मशीनों को कैसे खोला जाए, उसकी काउंटिंग कैसे की जाए। और हमारे साथ एडी मैडम है, तो मैडम बताइए, जो प्रशिक्षण जो चल रहा है इसको लेकर के क्या चल रहा है? ये VC रखी गई है, ECI के माध्यम से रखी गई है। कैसे करना है, किस मार्गदर्शन में करना है, ये निर्देश प्रदान किए जाएंगे। तो ये मैडम ने ये बताया कि किस प्रकार से मतगणना की जाएगी, ये VC चल रही है। इसके बाद में सभी को दिशा निर्देश दिए जाएंगे, इसके बाद ही 3 दिसंबर को मतगणना हो पाएगी। कैमरा पर्सन धीरज जोशी के साथ श्याम मारू, सच बेधड़क, बीकानेर। वहीं जोधपुर में निर्वाचन दलों को ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारे सहयोगी जितेंद्र डूडी ने स्ट्रांग रूम का जायजा लिया, साथ ही प्रशिक्षण व्यवस्था के बारे में भी जानकारी ली। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला तो 3 तारीख को होगा, लेकिन जहां ईवीएम की बात है, ईवीएम कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पर रखी गई है। ईवीएम जो है कि यहां पर 3 सुरक्षा घेरों में रखी गई है। आपको बता दें कि प्रत्याशियों के मतगणना के बाद से ही लगातार विभिन्न तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, राजनीतिज्ञ अपने अपने कयास लगाए जा रहे हैं। ईवीएम यहाँ सुरक्षा घेरे में है, यहाँ 3 लेयर की सुरक्षा घेरा है, जहाँ एक तरफ पुलिस और RSC के साथ साथ BSF के जवानों को भी यहाँ तैनात किया गया है। यहाँ से जो है ईवीएम गणना की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि 3 तारीख को मतगणना होगी, मतगणना के बाद ही जो है तय हो पाएगा कि यहाँ से किस प्रत्याशी को जो है विजय श्री हासिल हुई है। कहीं ना कहीं जो ईवीएम की बात है, ईवीएम पिछले कई दिनों से 25 तारीख से लगातार यहाँ पर ईवीएम जो है सुरक्षा घेरे में रखी हुई, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, ड्रोन के माध्यम से भी पुलिस जो है इस पूरे परिक्षेत्र का जो है जायजा ले रही है, साथ में निगरानी रख रही है। कहीं ना कहीं ईवीएम जो है विशेष, कई बार ईवीएम को लेकर सवाल भी उठते हैं, उसी को लेकर जो है CCTV कैमरे और ड्रोन के माध्यम से भी किया जा रहा है। साथ ही बता दें कि 3 तारीख को मतगणना होगी, उसके बाद जो है राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ईवीएम पूरी सुरक्षा घेरे में है और प्रत्याशी तमाम अपने अपनी गणना में लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन संजय आसोपा के साथ जितेंद्र डूडी, सच बेधड़क, जोधपुर।